जैसा कि हम सभी लोगों ने दीपावली का जो है त्यौहार काफ़ी उत्साह और उमंग के साथ मनाया है, लेकिन इसी उत्साह और उमंग के जोश में हम कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही कर बैठे हैं। हम भीड़ भरी जगह पर भी गए हैं, बाज़ारों पर भी हम लोगों ने खूब जमकर खरीदारी की है, ऊपर से यह बदलता हुआ मौसम। इस बदलते हुए मौसम और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने के बाद में भी हम लोग कोरोना और सारी चीज़ों को एक तरीके से भूल गए हैं। तो अपने स्वास्थ्य और कोरोना को लेकर के हम आए हैं डॉक्टर अमित बंग सर के पास, जो कि हमें कोरोना और इस मौसम में जो होने वाली बीमारियां हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आमतौर पर ये देखा जा रहा है सर कि जो लोगों में कोरोना के प्रति जो भय है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी कम होता जा रहा है। लोग बेझिझक बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं, बिना मास्क लगाए सड़कों पर निकल रहे हैं, सामाजिक दूरी का कहीं कोई दूर दूर तक का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो ऐसे में जबकि रोज़ाना लगभग 300 के आसपास मरीज जब सामने आ रहे हैं संक्रमित, तो बाहर हद निकलना या इसके प्रति जो है लापरवाह हो जाना किस हद तक ठीक है? देखिए, स्थिति जब ये हो कि आपको अस्पताल में जगह नहीं मिले और इलाज करवाने की क्षमता होने के बाद भी आपको बेड नहीं मिले, तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्थिति की गंभीरता कितनी है। जो दर्शक ये सुन रहे हैं, मेरी उनसे एक ही निवेदन है कि कुछ भी आपको काम हो, आप अपने स्वयं से एक प्रश्न करें कि क्या वाकई में ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्या वाकई में ये ऐसा काम है जो कि मेरे जीवन के लिए ज़रूरी है या सिर्फ जो है ये मेरे लिए लीजर एक्टिविटी है। यदि ये कार्य आपके रूटीन के लिए ज़रूरी है तो अवश्य करें, क्योंकि लाइफ को हमको इसके साथ जीना है। लेकिन यदि ये सिर्फ आपके लिए कोई ऐसा काम है जो कि आपको लगता है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, तो बेहतर ये है कि आप अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, परिवार की बेहतरी के लिए फ़िलहाल में अगले और 3-4 महीने जो है वो अवॉइड करके चलें। क्या कोरोना का प्रभाव पहले से कुछ कम हो गया है? वायरल इन्फेक्शन जो भी होता है, प्रभाव कम नहीं होता है, वो वेव्स में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। कोई सा भी वायरल इन्फेक्शन, शायद कोरोना एक पेंडेमिक है, मास नंबर पे हो रहा है इसलिए हम इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन वायरस हमेशा एक पीक लेता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे आता है। तो इस तरह के वेव्स जो हैं वो हमेशा किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए कॉमन है। तो ये सोचना कि कोरोना का प्रभाव कम हो गया, ये गलत है। दूसरा, कोरोना एक ऐसा वायरस है जो कि सीधे शरीर के लंग्स के साथ में 10 दूसरे ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है। ये हार्ट पे अफेक्ट करता है, दिमाग पे असर करता है, किडनी पे अफेक्ट करता है। रूटीन में हम वायरल इन्फेक्शन देखते हैं तो ऐसा होता है कि सर्दी खांसी होती है, कभी कभार निमोनिया होता है और बच्चा या आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन कोरोना एक ऐसा वायरस है जो कि लंबे समय तक शरीर के दूसरे ऑर्गन्स पर भी असर डालता है, यहाँ तक कि जो लोग ठीक हो जाते हैं उनकी भी लाइफ 3-3, 4-4 महीने तक नॉर्मल नहीं हो पाती है। सर, यदि किसी घर के अंदर कोई कोरोना ग्रसित व्यक्ति है और वो होम आइसोलेशन में है और उसी स्थिति में दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो साथ में उस घर में बच्चे भी हैं, तो ऐसी स्थिति में जबकि कोई व्यक्ति घर पे है और कोरोना ग्रसित है और साथ ही वहाँ पे बच्चे भी हैं, तो बच्चों का ख्याल किस तरीके से रखा जाना चाहिए? जैसा हम दूसरों का ख्याल रखते हैं वही सावधानी बच्चों के लिए भी रखना है। बच्चों को भी घर के बड़ों से जो कि कोरोना ग्रसित हैं उनसे दूर रखना है। लेकिन एक चीज़ और अच्छे से समझें कि बच्चे जो होते हैं वो साइलेंट स्प्रेडर होते हैं, मतलब बच्चों में बीमारी होने की संभावना, बीमारी सामने आने की संभावना कम होती है, लेकिन उनसे बड़ों को होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये सोचना कि बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं है इसलिए बच्चे को बाहर निकलने दें, ये भी ठीक नहीं है। बच्चे को उसकी रूटीन लाइफ जीने दीजिए, लेकिन उसको भी अननेसेसरीली बाहर मत निकालिए, क्योंकि संभव है कि वो बाहर किसी बड़े से कोरोना घर में लाएगा, उसको कहीं कोई लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन वो घर के बड़े बुजुर्गों को कोरोना ग्रस्त कर सकता है। तो यदि घर में बड़ों को कोरोना है तो बच्चे को भी वही सावधानी रखना है जो दूसरों के लिए रखते हैं। दवाइयाँ ऑफकोर्स उतनी नहीं देते हम बच्चों को जितनी दूसरों को देते हैं, उसके लिए शिशु रोग विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि सावधानी के लिए क्या दवाई देना है।
लेकिन बच्चों के लिए सावधानी जो है वो पूरी तौर पे रखना ही होती है। इन दिनों डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है सर, तो एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ डेंगू, तो परिवार के जो लोग होते हैं काफ़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं बुखार और दूसरे वायरल्स को लेकर के। तो जब डेंगू की हम लोग बात करते हैं तो जब उसके लक्षण होते हैं उसको या उसकी पुष्टि होने में काफ़ी समय लग जाता है, तब तक जो मरीज़ की स्थिति है थोड़ी कमज़ोरी आती है और सारी चीज़ें होती है, तो वो क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान में अगर रखा जाए तो ये डेंगू और कोरोना और बाकी बीमारियों से हम लोग निजात पा सकते हैं या समय रहते उनकी पहचान कर सकते हैं? देखिए, डेंगू और कोरोना दोनों अलग अलग तरीके से होता है। कोरोना एक से दूसरे में फैलता है, डेंगू जो है वो मच्छर के काटने से होता है। लेकिन डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण तुरंत सामने आते हैं, कोरोना के लक्षण संभव है कि नहीं आए। कोविड या कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है वो संभव है कि आपके शरीर में हो लेकिन आपको सिम्टम सामने नहीं आए, लेकिन यदि डेंगू है तो वो असिम्प्टोमेटिक नहीं रहता है। दूसरा, मेरा यही कहना है कि बहुत आसान होता है डेंगू और कोरोना के बीच में अंतर करना डॉक्टर के लिए। तो यदि घर में किसी को भी बीमारी है तो आप डॉक्टर से समय पर सलाह लें ताकि कोई भी बीमारी बिगड़े नहीं। कई लोग सिर्फ इस डर से अस्पताल नहीं आते हैं कि हम हमारे मरीज को अस्पताल ले जाएंगे तो उसे कोई दूसरी बीमारी नहीं लग जाएगी। जब आप कहीं दूसरी जगह घूमने फिरने जा सकते हैं तो अस्पताल में और ज़्यादा सावधानी रखी जाती है, लेकिन आपके परिवार के लिए आपके बच्चे के लिए हित में होता है कि डॉक्टर उस बीमारी को समय पर पकड़े, जो कि पूरी तरह से संभव है, समय पर पकड़े और उसका इलाज करे। डेंगू बिगड़ने की संभावना तभी होती है यदि मरीज जो है डॉक्टर के पास 5 से 7 दिन देरी से पहुंचता है लक्षण शुरू होने के बाद में। तो यदि आप इतना देर करोगे तो ही डेंगू तकलीफ देगा, अदरवाइज़ ये उसके बिगड़ने की संभावना बहुत कम होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं सर, उनकी जो इम्यूनिटी होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी है, तो इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए जो है पेरेंट्स को क्या उनके आहार में कोई बदलाव करके, इस तरीके से कुछ बदलाव या परिवर्तन करके उनकी इम्यूनिटी, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है या मेंटेन रखा जा सकता है? इम्यूनिटी के दो स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं, पहली अच्छा खान पान, दूसरा पर्याप्त नींद, और तीसरा जो पिलर होता है वो शारीरिक गतिविधि मतलब एक्सरसाइज। यदि ये तीन पिलर प्रॉपर हैं तो मान के चलें कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी प्रॉपर होगा, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों। तो बजाय हम बहुत ज़्यादा किसी दवाई के चक्कर में या हम बहुत ज़्यादा मार्केट में, आजकल इम्यूनिटी बूस्टिंग के नाम पे इट्स अ बिग मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट हो गया है, उसके बजाय हम बेहतर ये ध्यान दें कि 45 मिनट, हम मैं बच्चों और बड़ों दोनों की बात कर रहा हूँ, 45 मिनट प्रॉपर शारीरिक एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपका थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़े और हल्का सा पसीना छूटे। अच्छा खान पान मतलब जितना नेचुरल फूड आप ले सकते हो अपने शरीर में, जितना जंक फूड अवॉइड कर सकते हो वो। शायद खान पान अच्छा क्या है ये बताने की हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए फॉलो करना वो बहुत ज़रूरी है। आपको सबको मालूम है कि अच्छा और ख़राब क्या होता है, लेकिन उसको अपने जीवन में लाना इम्पॉर्टेंट होता है। और पर्याप्त नींद, जो कि इम्यूनिटी का सबसे बड़ा कारक होता है, 7 से 8 घंटे की नींद हर हाल में, वो आप तभी ले पाओगे 7 से 8 घंटे की नींद जब आप चिंता फिकर थोड़ी सी कम करके अपने शरीर पे ध्यान देना शुरू करोगे। तो यदि ये तीन चीज़ बैलेंस्ड है, डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज, तो आप मान के चलो कि आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चे जो फास्ट फूड के प्रति बहुत ज़्यादा वो जागरूक होते हैं, अक्सर ज़िद करते हैं माता पिता से अपने कि बाहर से कुछ बर्गर या पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की, तो इस समय को देखते हुए, जैसा अभी कोरोना का जो समय चल रहा है, इस समय को देखते हुए बाहर का खाना या उन्हें बर्गर्स या पिज़्ज़ा वगैरह या बाहर का नाश्ता कोई भी उन्हें ला कर देना क्या? मैंने जस्ट अभी बोला कि इम्यूनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट जो एक रीज़न होता है वो खान पान, और बर्गर या कोई सा भी फास्ट फूड को हम स्वस्थ खानपान नहीं बोल सकते। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का जंक फूड को लेके स्पेशली यदि मैं बात करूं, तो उसका पहला जो कारण होता है वो इसलिए होता है क्योंकि घर में ट्रेंड ही कई बार बच्चे ऐसा ही देखना शुरू करते हैं।
जब वो देखते हैं कि हमारे बड़े जो है वो, यदि घर में आपके जंक फूड्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, यदि आपके यहाँ बाहर से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, या आप फ्रिक्वेंट होटलिंग के शौकीन हैं, तो शायद बच्चे भी उसी उस पे पाथ पे आ जाते हैं, पहली चीज़। दूसरा, मैं सिर्फ बच्चों की बात करता हूँ, कि पेरेंट्स के लिए बहुत ईजी मोड होता है कि यदि उनको अपना कोई काम करवाना होता है तो वो बच्चों को, उनके लिए बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ होता है कि वो बच्चों को बोल देते हैं कि हमको ये करने दे, तो एज अ रिवॉर्ड वो उनको जंक फूड्स जो है वो उनको देने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए। मेरा सबसे ये, अभी कोविड के टाइम में नहीं, मैं शुरू से ये कहता हूँ कि जंक फूड्स को लेके आप बच्चों का डे डिसाइड करो, उस दिन आप सब लो, संडे के दिन जैसे सपोज़ आप लोग आउटिंग के लिए जाते हैं तो संडे के लिए दिन देना है, लेकिन बाकी छः दिन आपका खान पान, आपके बच्चों का खान पान घर में एकदम स्वस्थ होना चाहिए। बच्चों को भी मालूम होगा कि बाकी छः दिन हमको नहीं मिलना है, तो धीरे धीरे उनका जो एग्रेसिवनेस होता है या उनकी रोज़ की जिद होती है वो कम होगी। तो जहाँ तक जंक फूड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका खुद का डिसिप्लिन मेंटेन करें और बच्चों को भी डिसिप्लिन में रखें। और बहुत ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आज की डेट में बच्चे छोटी छोटी सी उम्र में, 5 साल के बच्चे एकदम ओबीस हो के आते हैं। यदि बच्चा 5 साल की उम्र में मोटा है तो हम मान सकते हैं कि उसकी इम्यूनिटी जो है उसके शरीर में नहीं है। सर, जैसा कि आपने बताया, शारीरिक गतिविधियों को लेकर भी आप बच्चों में कुछ जागरूकता देना चाह रहे हैं, तो अभी के समय पर जबकि कोविड का दौर चल रहा है, लोग और बच्चे घरों में काफ़ी वक्त से कैद हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं, पार्क में खेलने की ज़िद करते हैं, तो क्या ये पेरेंट्स के लिए आसान होता है या पेरेंट्स उसमें ढिलाई कर सकते हैं उन्हें बाहर जाने देने के लिए, उन्हें खेलने देने के लिए, क्या ये सुरक्षित है? देखिए, कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दे सकता इस स्थिति को देख के, क्योंकि आउटडोर प्ले हमेशा से प्रेफरेबल तरीका होता है बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी यदि आपके यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, आपके आसपास बहुत ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। और कोविड ने हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सिखाया है। बहुत सारे ऐप्स होते हैं आजकल जिसमें बच्चों के हिसाब से वर्कआउट्स होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए हम देखें तो हम उसको घर पर रस्सी कूदना, स्किपिंग करवा सकते हैं, और बड़ा बच्चा हो तो पुशअप्स पुलअप्स घर पर करवा सकते हैं। तो आप यदि आप किसी कारण से बच्चे को बाहर भिजवाने से डर रहे हैं, जो कि जेन्युइनली हो सकता है, तो भी बेहतर ये है कि आप घर में उनको आधे घंटे के लिए एक्टिव रखें। फिज़िकल एक्टिविटी, मैंने फिर बोला, एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें बच्चे का हल्का सा पसीना निकले, थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़े, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं घर में भी, और आप खुद भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी एक फैमिली का एक फैमिली का टाइम होगा, एक फैमिली टाइम होगा जिसमें आप सब एक ऐसा टाइम स्पेंड करेंगे जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो यदि बाहर संभव नहीं हो आपके एरिए, आपकी स्थिति को देख के, तो आप घर में ज़रूर करें। सर, जैसा कि हमने अभी टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, तो सभी शैक्षणिक संस्थाएँ बंद हैं, पढ़ाई भी जो है आजकल डिजिटल उपकरणों के माध्यमों से ही कराई जा रही है, बच्चे भी अपना अधिकतर समय आजकल घरों में कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के स्क्रीन के सामने ही अधिकतर अपना समय वो व्यतीत कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे वो अपने आप को तनाव मुक्त रख सकें, डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए भी तनाव महसूस ना करें और अपने आप को व्यवस्थित रख सकें? पहली बात तो स्क्रीन को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है कि बच्चे के हाथ में जहाँ तक संभव हो, क्योंकि हर घर की परिस्थिति अलग होती है, पर जितना बड़ा स्क्रीन हो उतना अच्छा है। मतलब पढ़ाई के लिए बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो यदि आपके घर में स्मार्ट टीवी हो जो कि कनेक्ट हो सकता है आपके सिस्टम से, तो आप उसको स्मार्ट टीवी पे उसकी क्लासेस करवाएं। वो संभव नहीं है तो लैपटॉप या पीसी पे करवाएं। वो संभव नहीं है तो टैबलेट पे करवाएं। वो संभव नहीं है तो फिर मोबाइल पे कराएं। तो जितना बड़ा स्क्रीन है उतना अच्छा है। दूसरा, हमको सावधानी ये रखना है, क्योंकि बहुत केसेस आ रहे हैं जहाँ पे बच्चों की आँखों पे वाकई में असर पड़ता है। तो दूसरी सावधानी हमको ये रखना है कि, और ये बहुत, यदि स्कूल वाले इस चीज़ को करें तो वाकई में बहुत अच्छा है, कि जब हम टीवी या स्क्रीन देखते हैं तो हर हाल में बहुत क्लोज में देखते हैं, तो हर 20 मिनट बाद बच्चे को बोलें कि वॉल पे देखें,
स्क्रीन से नज़र हटा के सामने दीवार पे देखें और 20 सेकेंड 20 बार ऐसे आइस ब्लिंक करें। जब ऐसे आइस ब्लिंक करते हैं तो जो आँखों पे स्ट्रेन होता है, जो असर होता है, वो कम हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ फैमिली के हिसाब से मैं बोलूँगा कि कुछ बोर्ड गेम्स वगैरह होते हैं, क्योंकि आप 24 घंटे आपके लिए एक टास्क है बच्चों को एंगेज करना। अभी क्या प्रॉब्लम, इसके पहले क्या था, बच्चे स्कूल जाते थे और घर पे आके थोड़ा बहुत जो है वो स्क्रीन में एंगेज होते थे। अभी दिक्कत ये है कि वो स्कूल भी स्क्रीन पर है और बाकी उनका एंगेजमेंट टाइम जो है, उनका कार्टून्स हो गए, बाकी चीज़ें जो हैं वो भी स्क्रीन पर है। तो 24 घंटे उनका एंगेजमेंट जो है वो सिर्फ स्क्रीन पे हो गया, जिसका ऑफकोर्स बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें पेरेंट्स का रोल बढ़ जाता है कि बाकी टाइम में उनको एंगेज करने के लिए आप घर पर ही कुछ बोर्ड गेम्स वगैरह रखें और बच्चों को या तो आपस में खेलने दें, और आपस में नहीं खेलने की वो संभावना हो तो आप बच्चों के साथ में एंगेज रहें, ताकि क्योंकि जो ज़रूरी स्क्रीन है स्कूल का वो तो खैर डेफिनेटली बच्चे यूज़ करेंगे ही, पर उसके बाद का जो टाइम है वो थोड़ा बहुत हम उनके साथ स्पेंड कर सकें। तो ये है हमारे साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित बंग सर। सर बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला और दर्शकों के सामने सारी बातें साझा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों के लिए भी ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी और दर्शक भी इसका पूरी तरीके से पालन करेंगे, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं वॉइस ऑफ राइट्स चैनल को भी थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं आप सब लोगों से मिल सकूँ। थैंक यू।